तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं अपने नए ब्लॉग में आप सभी का। तो गाइस, अभी दिन के हो रहे हैं 3 और मैं अभी कर रही हूँ ब्लॉगिंग की शुरुआत अभी कर रही हूँ, क्योंकि दिन में भी टाइम मिला, सुबह भी टाइम मिला, तो अभी थोड़ा शाम हो गई है, तो मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग वगैरह बना लूँ। और अभी मैं कर रही हूँ लकड़ी के वो जो होते हैं ना पट्टे टाइप के, उनमें पेंट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा ब्लॉग भी बना लेती हूँ और कुछ नया देखने को भी मिल जाएगा आप सभी को। तो दिखाती हूँ आपको मैंने पेंट कर रही हूँ कैसे करती। देखिए गाइस, मैंने एक लकड़ी के पट्टे में तो मैंने पेंट कर दिया, दूसरा यहाँ पर रखा है पेंट करने के लिए, और ये अभी मैं सुखाने के लिए ले जाऊंगी बाहर दोनों को एक साथ। सब सोच रहे होंगे कि लकड़ी के पट्टों में पेंट क्यों कर रही है। तो अभी दीपावली का टाइम शुरू होने वाला है, दीपावली आने वाली है, तो मैंने सोचा कि घर के लिए कुछ बना लूँ, इसलिए मैं ये दो जो लकड़ी के पट्टे हैं इनमें पेंट कर रही हूँ। उसके बाद इसमें आपको दिखाऊंगी कि मतलब आगे आके मतलब देखती हूँ क्या बनता है। तो बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। दोनों में पेंट हो गया है और हाथ देखो। तो हेलो गाइस, दिन के बाद अभी अभी बना रही हूँ सीधे ब्लॉग, वो भी आपको कुछ सामान दिखाने के लिए। तो गाइस, हमने एक रोजगार खोल रखा है, मतलब खोल के रखा है, हम उसमें ज्वाइन हुए हैं, तो उसकी मीटिंग करानी है हमें। उसके लिए हमारे पास आई है टी शर्ट, तो मैं आपको एक बार टी शर्ट दिखा देती हूँ और इसके बारे में बता देती हूँ। पहले दिखा देती हूँ फिर उसके बाद। तो गाइस, ये रही टी शर्टें, देखिए ऐसी हैं, प्लेन बीएमसी। तो गाइस, ये मैंने ऑर्डर दिया था और ये बन के आ गया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूं। और तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टी शर्ट दिखा रही है, प्लेन टी शर्ट है और उसमें बीएमसी लिखा है। तो बीएमसी का पूरा मतलब फुल फॉर्म है ब्रिटिश मीडिया कंपनी, जो कि है ब्रिटिश की, इंडिया की नहीं है, बाहर की है। और जो ये बीएमसी है, इसका मतलब ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम हम करते हैं, तो उसका ऑफलाइन मीटिंग के लिए हमने अप्लाई किया था, तो हमें हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, इस वजह से हमें मीटिंग करानी है। अभी मीटिंग का कंफर्म नहीं हुआ है, अभी खाली मतलब तैयारियाँ वगैरह कर रहे हैं, जैसे टी शर्टें छापना और पोस्टर वगैरह बनाना, बैनर वगैरह बनाना, तो सारी तैयारियाँ कर रहे हैं। तो आज टी शर्टें भी आ गई हैं और बैनर भी एक दो दिन में आ जाएंगे, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। बस टी शर्ट तो ये रही, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने इतना ही बताया, और मैं आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी दूंगी, पर मीटिंग होने के बाद कि इसमें कितना बेनिफिट है, हम कैसे इसको ज्वाइन करें, वो सब मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो ये रही हमारी टी शर्टें, ये टोटल हैं 12, क्योंकि मेरी अभी टीम कम है, तो मैंने कम ही में प्रिंट करवाई हैं। तो इसमें कुछ स्मॉल साइज भी है, जैसे लड़कियों के लिए स्मॉल और जो लड़के हैं उनके लिए थोड़ा सा लार्ज साइज मंगा रखे हैं। सो ये रही, मैंने कुछ फोटो फ्रेम बनाई हैं, तो आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। ये वहाँ से पैक हो गया है, तो खोलने का मन तो करने का, पर आप लोगों को दिखाने के लिए
दोबारा से हम इसको पैक कर देंगे। इसमें तेल लगा हुआ है। जब कल घर जाऊंगी तभी ले जाऊंगी ना, बाद में नहीं जाऊंगी। आपको अच्छा ये फोटो फ्रेम में कल तो मजा नहीं, कल वापस आ जाऊंगी। गाइस मेरे फोन में ना 4GB कम है, फटाफट वीडियो शूट कर शूट करती हूँ। सॉरी कुछ भी हो नहीं सकती। तो पहली फोटो तो ये है, आपको दिख रही होगी इसमें ना, वीडियो को भी दिख रहा है। एक बार मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, फिर आपको बैक कैमरा करके भी दिखा दूंगी। तो सॉरी, ये हमारे ये हम चार भाई बहनों की फोटो फ्रेम है, जब हम घोड़ाखाल मंदिर गए थे तब की है ये फोटो। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उसको, बस 1-2-3 महीने ही हुए हैं। तो ये उसकी फ़ोटो है, हमने फ़ोटो फ्रेम बनवा ली है इसकी। और एक फ़ोटो फ्रेम और है, वो भी आपको दिखाते हूँ। तो ये रही, तो गाइस ये रही हमारी फैमिली फ़ोटो। तो मैं आपको हमारी बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ। तो गाइस ये रही फ़ोटो फ्रेम हमारी फैमिली की। ये नेहा, ये अनिशा, पापा, भैया, मैं, मम्मी और नानी। तो ये रही। और गाइस ये रही हम चार भाई बहनों की फोटो फ्रेम।